नमस्कार भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो आज मैं आपको क्या बताऊं, सोचता हूँ आइडिया। दिल्ली के BGS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जो कि एक चेन्नई बेस्ड ब्रांड है, और उनके एक कॉलेजेस भी है, हॉस्पिटल्स भी है, और वो नेशनली और इंटरनेशनली भी कंपटीशन कराते हैं। नंबर वन स्कूल है द्वारका। श्री 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 बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ये है मेरी स्कूल की फुल फॉर्म, जो कि एक चेन्नई बेस्ड वो है स्कूल है, और द्वारका में स्थित है सेक्टर 5 में। फिलहाल के लिए एडमिशन इसकी बंद है क्योंकि COVID-19 है, ऑब्वियसली बंद ही होगी और बहुत जल्द खुलने वाला है, बहुत जल्द। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है श्री पूनम गुप्ता। आप ये सोच रहे होंगे कि चेन्नई बेस्ड स्कूल है तो हमारे जो बोर्ड है वो अलग हो गए। नहीं, जो बोर्ड है वो CBSE बोर्ड है, कोई और बोर्ड नहीं है। ICSE नहीं है, फलाना ढिमकाना नहीं है, NIOS नहीं है, CBSE बोर्ड है। सब्जेक्ट यार बेस ही है, मतलब बेसिक ही है, सॉरी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ये आपका EVS, और भी बहुत कुछ है। LKG से प्रेप आपके बच्चों के पास सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और आर्ट। साइंस नहीं होती यार, और हाँ बस साइंस आपकी शुरू होती है फर्स्ट से लेकर 12th तक। अब फर्स्ट से लेकर 12th तक ऐसे कि फर्स्ट से लेकर 6th तक आपकी फर्स्ट से लेकर हाँ 6th तक आपकी साइंस रहेगी। फिर साइंस के बाद आपकी 7th में साइंस में खुलेगा आपका बच्चा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मतलब PCM। फिर 7th में जैसे ही हो जाएगा तो उसको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो हिंदी ले वो, या तो फ्रेंच ले वो, या तो संस्कृत ले वो। ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को क्या देंगे। फिर 10th में फिर से ये ऑप्शन, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, और 11th के बाद स्ट्रीम होती है मेडिकल, नॉन मेडिकल, अकाउंटेंस, फलाना ढिमकाना। फिर 12th के बाद तो आपका बच्चा फ्री है। आते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में है हमारे पास फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल हो गया, और अगर आपका बच्चा वो हाँ बास्केटबॉल, मान लो अगर आपका बच्चा घर से कोई नई चीज़ लाया है जैसे रग्बी लाया है, तो वो स्पेशल परमिशन से उसका परमिट लेना पड़ेगा वो गेम्स की टीचर से या सर से, वो आपको खेलने को अलाउ कर देंगे। और छोटे बच्चों के लिए जैसे नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक के बच्चों के लिए स्विंग्स भी हैं, और बस। अब आते हैं एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ में जैसे आपकी डिबेट, पोइट्री, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांस, और उत्सव, और एक कॉमन होता है, नहीं और भी होते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल में आपकी कमिट्री होगी, क्रिकेट होगा, बैडमिंटन होगा, मतलब इन सब के मैचेस होते हैं जिसमें BGS नंबर 1 है। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा, अपने स्कूल की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं यूजुअली कह रहा हूँ कि हम हमारे स्कूल जो BGS है वो नंबर 1 है। और रही बात एक्टिविटीज़ में यार ऐसा है कि आपका बच्चा घुलेगा, मिलेगा और खुलेगा एक्टिविटीज़ में। ये अब आते हैं अचीवमेंट पे। यार अचीवमेंट में ऐसा है कि जो आपका जो बच्चा है वो डोमेस्टिक लेवल, जोनल लेवल मेगा ट्रॉफी जीत के आया, जो कि बहुत ही इजी है हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए, मेरे स्कूल के लिए।
और अगर वो ट्रॉफी जीत गया है तो पूरी की पूरी टीम की जो ट्रॉफी है, चाहे वो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड या बड़ी वाली ट्रॉफी जीत के आया, तो हाँ हमारे स्कूल में एक बड़ा सा रैक है, उसमें आपकी बच्चे का जो ट्रॉफी है वो बाय योर वॉट नेम होगा। जैसे आपके बच्चे का नाम है मान लो एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड ने पार्ट लिया स्विमिंग पे, तो स्विमिंग पे वो लाया गोल्ड ट्रॉफी विद गोल्ड मेडल, तो मेडल तो आपके पास रहेगा लेकिन जो ट्रॉफी होगी वो स्कूल में उस अलमारी पे, उस रैक पे सजा दी जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, और वो स्कूल यादगार रहेगा आपको, हमको, सभी को जो भी उस स्कूल में पाता है, ताकि वो बाकी के स्टूडेंट को मोटिवेट करे कि हाँ तुम में वो बात है जो तुम कर सकते हो और तुम करोगे। और रही बात स्पोर्ट्स की, फुटबॉल में तो हम नंबर वन है ही, नंबर वन ग्राउंड है हमारा, और बैडमिंटन में भी हम नंबर वन है, पता नहीं होंगे। और डांस में तो सोलन में हम जाते हैं बैंगलोर, और भी बहुत जगह जाते हैं अगर हमें मिलता है चांस तो। वैसे तो साल के 365 दिन हमें मिलता है चांस, लेकिन आज जो अभी जो हालत है वो COVID-19 की वजह से जो जो की हालत है वो हमें 950-50 का रेशियो है, और अभी फिलहाल तो जूम में ही चल रहा है, और बस यही है। अब यार टीचिंग फैकल्टी के बारे में क्या कहूँ मैं, मतलब 100 on 100 ऑन टीचिंग, ऑन कॉन्सेंट्रेट ऑन, एंड अगर आपका बच्चा अगर स्पेशल है और उसको समझ में नहीं आ रहा, और उसको 2-3 बार समझाने पे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा स्कूल क्या कहता है, वो रिमेडियल क्लासेस रखता है आपके बच्चों के लिए, कि आपका बच्चा आए, समझे और एग्ज़ाम में पास हो, और वो रिमेडियल क्लासेस आपके लिए आपके लिए यादगार होगी, आपके बच्चों के लिए यादगार होगी कि हाँ हमने रखी थी रेमेडियल क्लास, हम पास भी इसी वजह से हुए, और हाँ ये जो टीचर्स है वो, मतलब BGS की जो टीचर है वो हेल्प भी करती है बच्चों को पास कराने में, होने में, और अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको कुछ भी फीलिंग्स हैं, तो वो आपकी मदद करेंगी वॉट एवर इज द सर्कमस्टांसेस, सॉरी सर्कमस्टांसेस, इफ यू आर फीलिंग लो, इफ यू आर फीलिंग एसेट्रा, दे विल हेल्प यू, दे विल ट्रीट यू एज अ मदर, एज अ ग्रैंड मदर, एज अ फ्रेंड। मोहन बेसिकली ये फ्रेंडली एटमोसफेयर है, दोस्त बना सकते हो, दोस्ती बिगाड़ सकते हो, और भी बहुत कुछ है यार, ये आपके ऊपर है कि आपको दोस्त दोस्त बनाने हैं बिगाड़ने हैं। और टीचर्स आर रियली 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 फ्रेंडली टू मी, टू यू, टू एवरीवन, और जो स्टाफ मेंबर्स है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, उनसे अगर आप अच्छे से बात करोगे तो वो अच्छे होंगे, बुरे से बात करोगे तो बुरे होंगे, और टीचर का को रिस्पेक्ट करने के बाद आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स आपके आगे जाने में, आपके सर्टिफिकेट में काम आएंगे, और अगर आप चुप रहोगे तो वो टीचर आपको बोलेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और अगर आप बताओगे कि ये रीज़न है तो वो आपकी मदद भी करेंगे इससे ओवरकम करने में, इससे उभरने में, और वो आपको मदद करेंगे एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ एडवाइजर। यार आप ही बताइए मैं होता कौन हूँ रेटिंग देने वाला, चलो फिर भी दे देता हूँ। अबे रेटिंग क्या दूँ मैं, चलो 10 on 10 on everything, 10 on
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर एक सब्सक्राइब करके जाना, और यहाँ 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 कहीं तो आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, मेरे फेस वाला उसको दबा के जाना, सब्सक्राइब हो जाना ताकि आप नहीं मिस कर सको मेरी कोई अपडेट।